हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं मेरठ पानीपत रेलवे लाइन की अपडेट। जैसा कि दोस्तों आपने व्हाट्सएप पे बहुत सारी वीडियो सेंड की थी कि मेरठ पानीपत रेलवे लाइन का दोबारा काम चालू हो गया है, तो हमने आपको कहा था हम जाकर वहाँ पर जांच करेंगे। अगर जांच में हमें पता चला तो काम शुरू हो गया तो हम आपको अपडेट कर देंगे। इसी पर हमने सरधना में जाँच की, तो सरधना के अंदर आज सरधना के जिटकरी गाँव में रेलवे की टीम आई हुई है। हमने रेलवे की टीम से पूछा तो उन्होंने बताया कि अब जगह जगह पर पिलर गाड़ने का काम शुरू हो गया है। हम आपके द्वारा दी गई वीडियो को भी वीडियो बनाकर डाल देंगे, लेकिन हम आज सरधना की में जो टीम आई हुई थी उससे बात की, उन्होंने बताया हमें, क्योंकि उन्होंने कैमरे पर वीडियो बनाने से साफ साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पर हमें अभी कोई भी परमिशन नहीं है। 10 या 12 दिन बाद इंजीनियर्स सरधना के जिटकरी गांव में आएंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है, तो अब हम आपको बताने वाले हैं। उनसे हमने क्या क्या पूछा, तो हमने उनसे पूछा भूमि अधिग्रहण का कार्य कब से शुरू होगा। तो उन्होंने कहा कि 20 या 25 दिन के अंदर अंदर भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, और जैसे भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू होगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे दोस्तों। और हमने उनसे पूछा जमीन कितनी कितनी दी जा रही है, तो उन्होंने बताया कि जमीन अभी हम आपको क्लियर नहीं बता सकते, क्योंकि वो तो हम फ्लाईओवर के हिसाब से लेंगे। अगर कहीं फ्लाईओवर आ रहा है तो वहाँ पर ज़्यादा जमीन भूमि अधिग्रहण की जाएगी, और कहीं फ्लाईओवर नहीं आ रहा है तो वहाँ पर कम भूमि अधिग्रहण होगी। दोस्तों आने वाले दिनों पर जहाँ जहाँ भी रेलवे की टीम जाएगी हम उनसे क्वेश्चन करते रहेंगे। जैसे ही रेलवे के इंजीनियर्स आएंगे तो हम उनकी वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर देंगे दोस्तों। आपके द्वारा दी गई वीडियो भी हम चैनल पर अपलोड कर देंगे ताकि आपको पता चल सके दोस्तों। अगर वीडियो में कुछ जानकारी आपको और लेनी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे या फिर व्हाट्सएप पे कमेंट कर दे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।